आप सभी को मेरा सादर चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम नर्मदा कौशिक, मंडी हिमाचल प्रदेश, भारत की रहने वाली हूँ। आज मैं विश्व के विद्यार्थियों के लिए अर्थात विश्व के भावी नागरिकों के लिए परंजी का संदेश P3Y का संदेश देना चाहती हूँ, जिससे विश्व के विद्यार्थियों का कल्याण संभव है। यदि P3Y का तरीका विद्या है, ये विद्या आपको समझ में आए और अच्छी लगे तो इसका प्रयोग करें और जीवन में लाभ लें। अच्छी ना लगे तो यहीं छोड़ दें, तर्क का विषय नहीं है, प्रयोग करेंगे लाभ होगा ही होगा। इस विद्या में किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश का कोई लेना देना नहीं। विश्व के हर मानव मात्र के कल्याण की ये विद्या है और साइंटिफिक है। P3Y इसका नाम है। पी तीन बार, पहला पी परमजी। परमजी कौन? परमजी ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर, यानी शक्ति का भंडार। दूसरा पी पपर। पपर क्या? पपर 11 वाक्यों की एक टेक्निक, एक साइंटिफिक टेक्निक, जिससे मनुष्य के भौतिक क्षेत्र में लाभ होते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, सुखद इच्छाएं, उनके संकट महासंकट टलते हैं, बीमारी महामारी दूर होती है, और जो काम कहीं ना बने वो काम P3Y में जो दूसरा पी है पपर, 11 वाक्य उनसे बनते हैं। तो 11 वाक्यों को पपर कहते हैं। कोई मंत्र नहीं है, किसी भी वेदों से शास्त्रों से नहीं लिया गया है, ये परम जी की दी हुई मानव मात्र के कल्याण के लिए एक टेक्निक है, ट्रिका है, जो सब के कल्याण के लिए है। और तीसरा भी परम, साथ में वाई, वाई से योग, परम योग। परम योग से हमारे मन और आत्मा से संबंधित है और इससे हमारी बुद्धि का विकास होता है, IQ बढ़ता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और इससे डिप्रेशन इत्यादि, घबराहट इत्यादि, बेकार की चिंता इत्यादि नहीं होती। इससे अनेकों लाभ हैं। ये मन और आत्मा से संबंधित है, अर्थात P3Y एक संपूर्ण विद्या है। इससे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में लाभ होते हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा मन शांत रहता है और हमारा बुद्धि का और स्मरण शक्ति का विकास होता है और
इससे हमारा आईक्यू बढ़ता है और अनेकों प्रकार के मन और आत्मा से संबंधित हमारे कार्य होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो जैसे कि मानव जीवन के दो ही क्षेत्र हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों क्षेत्रों में इस विद्या से लाभ होता है और दोनों क्षेत्र मनुष्य के लिए परम आवश्यक हैं। आज मेरा आप सभी विद्यार्थियों को, विश्व के विद्यार्थियों को और भावी नागरिकों को ये संदेश देने की मुझे प्रेरणा हुई है, आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। आप को अच्छा लगे तो उसका प्रयोग करना है, प्रयोग की विद्या है और लाभ लेना है। अच्छा ना लगे तो यहीं छोड़ देना है, जबरदस्ती की बात नहीं है। तो क्या करें, विश्व के विद्यार्थी कैसे इसका प्रयोग करें? बहुत आसान है, लेकिन रेगुलर करना है। ये है इसमें कि रेगुलर करें और है तो आसान, कोई कठिनाई नहीं है, ये समझना है आपको। तो जो बच्चे विद्यार्थी जो कुछ बनना चाहते हैं, जिनका कुछ उद्देश्य है जीवन में और मेहनती है, उनके लिए ये विद्या है। आलसियों के लिए ये विद्या नहीं है। और इस विद्या से वही काम बनते हैं जो आपके लिए हितकर हों और दूसरों के लिए भी हितकर हों, परम जी के लिए भी हितकर हों। तो इसमें कोई गलत काम नहीं बनता जिससे आपका नुकसान हो या आप किसी दूसरे का नुकसान चाहते हो, वो इस विद्या से कभी नहीं होगा। या आप परम जी का नुकसान होता हो इस विद्या से, वो काम नहीं होता। बाकी इसमें सब संभव है। जो भी इस विद्या के अनुसार, परम जी के अनुशासन में रहकर अपनी पढ़ाई लगन से करेगा, वो अवश्य ही अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। उसका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगा, स्वस्थ भी रहेगा और प्रसन्न भी रहेगा। उसके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, कोई दुविधा नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि परमात्मा के इस विश्व का सबका कल्याण हो, सारे विश्व के बच्चे होशियार बने, योग्य बने और सही निर्णय लेने वाले बने और विश्व में शांति हो। क्या करें विद्यार्थी, क्या करें? सुबह 4 बजे के बाद जब भी नींद खुले, आंखें खुले, तो 4 बजे के बाद उठ के बैठ जाओ और परम जी से निवेदन करो। परम जी है कोई? अगर आपने चित्र देखा है, वीडियो में चित्र होगा परम जी का दिया हुआ, उस चित्र को ध्यान में रखें। उठ करके परम जी को नमस्कार करें,
है कोई ब्रह्मांड की शक्ति परम जी। और बैठने का तरीका, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, ध्यान परम जी पर, जो आप वीडियो में देखेंगे चित्र। दांत आगे के दांत सटे, ओंठ थोड़े से खुले, खुले ओंठ सटे दांतों से धीरे धीरे सांस लेना, पूरा फेफड़ों में भरना और धीरे धीरे सांस को नाक से छोड़ना, मुंह से सांस लेना और नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ना, छोड़ते हुए गले से हूं की ध्वनि करनी, जैसे मधुमक्खी की आवाज़ या भौंरे का गुंजन होता है, नाद, कंठ से नाद करना। तो नाद करते हुए सांस को छोड़ना और छोड़ते हुए ओंठ बंद करने और अंदर दांत खोल देने। जब सांस लेना तो मुंह से लेना, तब ओंठ थोड़े से खुले थे और दांत सटे, और जब छोड़ना तो नाक से छोड़ना, उसमें ओंठ बंद और अंदर से दांत खुले करने, ये ध्यान रखना। इस तरह से आपको सुबह 3 बार करना है, 3 बार करके फिर आपको आपको अपने पूरे दिन के लिए परम जी से निवेदन करना है। 3 परमनाथ किए फिर निवेदन करना है परम जी से, क्या बोलना, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ, करता हूँ। ये 8 वाक्य हैं, ये 8 वाक्य हम बोलते हैं तो परम जी की पराशक्ति हमारे सामने होती है, हमारी बात सुनती है। अब 9वां वाक्य है, पप्पर के 11 वाक्य हैं बोलने, तो 8 वाक्य तो ये हुआ संपर्क। 9वें वाक्य में हमने अपनी इच्छाएं बोलनी है सुबह, क्या बोलना है, आपको क्या चाहिए, आप विद्यार्थी हैं तो बोलना, परम जी आज मेरा IQ बढ़े, आज मेरा मन पढ़ाई में लगे, आज मेरा मन शांत रहे, प्रसन्न रहे, अधिकतम पढ़ाई में मेरा मन लगे और मेरी बुद्धि का विकास हो, मेरी स्मरण शक्ति का विकास हो, मैं अपना काम ठीक से कर सकूं, ईमानदारी से कर सकूं, मेहनत से, पूरी मेहनत लगन से करूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी या दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में बड़े होकर 1 नए व्यक्ति को P3Y सिखाऊंगा या सिखाऊंगा। और ये परमनाद आपने सुबह उठते ही करना है, और दूसरी बार करना है आपने जब आप घर से निकलते हो बाहर, स्कूल को जाते हो, कॉलेज को जाते हो, ट्यूशन को जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो दरवाजे पर खड़े खड़े ही 3 परमनाद करने और फिर बोलना परम जी मिराज का काम आपको समर्पित है। और तीसरी बार करना है आपने रात को सोने से पहले, रोज सोने से पहले सब काम कर बैठे और सोना ही है, सोने से पहले 3 परमनाद आपने करने हैं, परम जी को नमस्कार करना है और सोना है। अगर नींद नहीं आती है तो मांग लो कि परम जी मैं इतने बजे से इतने बजे तक मुझे
अच्छी गहरी नींद, स्वप्न रहित नींद आए, सुबह में फ्रेश उठूँ इतने बजे। कब? 4 बजे 5 बजे जब भी आप उठना चाहें समय बता दो करुण जी को, इतने बजे मैं फ्रेश उठूँ। 3 बार करने हैं, 3-3 प्रणाम करने हैं आपने, प्रतिदिन 3 टाइम, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले और घर से निकलने से पहले दरवाजे पर ही। ये 3-3 प्रणाम दिन के 3 बार अवश्य करने हैं। तो कैसे करने हैं ये देख लो, एक बार मैं करके बताती हूँ, आपने 3-3 बार करने हैं तीनों टाइम। एक बार किया मैंने, आपको 3 बार करना है आंखें बंद करके, ध्यान परम जी पर रखना है। तो ये प्रणाम है, 3 प्रणाम सुबह, 3 घर से बाहर निकलते हुए या पहला काम करने से पहले, और 3 रात को सोने से पहले करना है। इसके बाद सुबह आपने मांग लिया, एक बार परम जी से निवेदन कर लिया है, अब आपने जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो जो सब्जेक्ट जो विषय आपको कठिन लगता है, तो उस विषय के जो टीचर हैं वो आपको पढ़ाने आ रहे हैं, उससे पहले ही आप 3 परम श्वास करो। तो मांग लो परम जी से उस टाइम, परम जी मेरा गणित का विषय है, मुझे मेरे अध्यापक जो समझाएं मुझे समझ में आ जाए और याद रहे। तो अब 3 परम श्वास करने हैं अपने। परम श्वास भी वैसे ही बैठने की स्थिति, थोड़ा सा फर्क है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, अब आंखें खुली होंगी, खुली आंख से करना है और ध्यान परम जी पर करना है, और दांत सटे ओंठ थोड़े खुले, खुले ओंठ सटे दांतों से सांस लेना धीरे धीरे और नाक से सांस छोड़ना। अब ये परम श्वास है, इसमें 2 फर्क हैं, एक तो आंखें खुली रहेंगी और जब आप सांस छोड़ेंगे तो नाद नहीं होगा, तो बिना नाद के छोड़ना है, क्योंकि आप क्लास में बैठे हैं तो क्लास को पता ही ना चले कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए इन 2 बातों का ध्यान रखना है। तो क्या करना है एक बार मुझे देख लीजिए, ये एक बार इसमें आंख खुली रही, किसी को पता नहीं चलेगा आप देख रहे हैं, लेकिन ध्यान परम जी पर होना चाहिए। 3 बार करें परम श्वास, हर एक विषय के पहले, परंतु जो विषय आपको कठिन लगता है उसके पहले अवश्य करें और फिर पढ़ें। तो जो पढ़ें परम जी से मन ही मन मांग लें, परम जी मैं जो पढ़ूं, जो मुझे पढ़ाएं मुझे समझ में आए और याद रहे, बस इतना ही करना है। और इस तरह से पढ़ना है आपको रोजाना, और इसमें ऐसा है कि जो परिश्रमी है उन्हीं के लिए ये विद्या है, जो आलसी हैं उनके लिए ये विद्या नहीं है। वो परम जी की इस विद्या का पृथ्वी का प्रयोग ना करें, उनके लिए है ही नहीं। जो कुछ बनना चाहते हैं, जिनका कोई उद्देश्य है, तो वो अपने उद्देश्य को अवश्य प्राप्त करेंगे, कोई शक नहीं। आप इस तरह करते रहेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। इस तरह से आपको पढ़ना है,
और जब आप भोजन करते हो तो भोजन करते हुए आपको परम जी को नमस्कार करना है और मन ही मन चरणम शरणम गच्छामि बोलना है, तब भोजन करना है, सुबह भी शाम भी जब भी करते हो। क्या बोलना है? चरणम शरणम गच्छामि, तो तब आपने भोजन करना है, प्रतिदिन ये करना है, भूलना नहीं। अगर विश्व के सारे विद्यार्थी इस तरह से परमयोग करेंगे, परम जी से मांगेंगे अपनी बुद्धि के विकास के लिए, आईक्यू बढ़ने के लिए और पढ़ाई में मन लगे इसके लिए, और आप देखेंगे कि आपका पहले से अधिक बुद्धि का विकास होता है कि नहीं, आपका मन पहले से अधिक पढ़ाई में लग रहा है कि नहीं, आपको खुद ही अनुभव होगा, आपका अनुभव ही आपका प्रमाण होगा। और आप रोजाना ऐसा करें और अवश्य ही आप एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। ये मार्गदर्शन है परम जी का, पीथी भाई का ये संदेश है, ये सब के लिए है और सब लाभ लें और एक अच्छे विश्व का निर्माण करें, विश्व शांति, विश्व में शांति फैले और प्रेम पूर्ण व्यवहार हो सबका और परम जी के स्नेह की वर्षा पर बरसे। इस तरह से विद्यार्थी अपना काम करें। और जब परीक्षाएं होती हैं तो कई बच्चे घबरा जाते हैं, परीक्षा से पहले ही डर जाते हैं, घबराहट हो जाती है, पता नहीं कैसे होंगे पेपर, पता नहीं कैसे पेपर आएंगे, और उदास हो जाते हैं, कईयों को डिप्रेशन आ जाता है, अब क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। कई लोग, कई बच्चे आत्महत्या कर देते हैं, अभी रिजल्ट भी नहीं निकले होते हैं तो भी आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन आता उनको। तो इसमें ऐसा है कि अगर आप परम जी के इस विधि से पढ़ेंगे, परम रोज परमयोग करेंगे, परम श्वास करेंगे, इस विधि से अपना भोजन करेंगे, आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं आ सकता। आपकी और भी कई मानसिक कमजोरियां, मानसिक बीमारियां कई किस्म की होती हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म होंगी और आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, देशभक्त नागरिक बनेंगे और सबके लिए लाभदायक होंगे, परोपकारी होंगे, अच्छी भावनाएं आप में आएंगी, आपका मन शांत रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, उत्साह से भरा रहेगा, उमंग से भरा रहेगा, आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा। ये परम जी की विद्या है पीथी भाई।